अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम अपने किचन में बनाएंगे अंडे आलू का सालन। लोग इसे अंडे आलू की करी भी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अंडे आलू के सालन में जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत पड़ेगी आप वो देख लीजिए। चार मैंने अंडे ले लिए, इन्हें मैंने बॉईल कर लिया है। बॉईल करने की अगर आपको मेरी रेसिपी देखनी है तो ये भी मैंने अपलोड की हुई है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वैसे तो सबको आते ही हैं अंडे बॉईल करने। और 3 अदद मैंने मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं, 2 मीडियम साइज़ की प्याज ले ली हैं, इन्हें मैंने ये ऑमलेट कट कर लिया है, और 1 प्याली हम ऑयल ले लेंगे, या जो आपको मतलब रिक्वायरमेंट हो आपकी कि जितना ऑयल आप लोग यूज़ करते हो। 1 प्याली दही ले लेंगे, 1 टेबल स्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट ले लेंगे। गार्निश के लिए हरा धनिया ले लिया है मैंने, इन्हें हम चॉप करके उसके ऊपर सालन जब रेडी हो जाएगा तो ऐड करेंगे, और ये ग्रीन चिली ले ली है। 2 टीस्पून लाल पिसी हुई मिर्ची ले लेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी ले लेंगे, 1/2 टीस्पून ज़ीरा ले लेंगे, और 1 टीस्पून सॉल्ट ले लेंगे, और ये मैंने लिया है यहाँ पर 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, और यहाँ कुछ मैंने गरम मसाले ले लिए हैं, जिसमें मैंने ये एक दालचीनी का टुकड़ा लिया था, इसे मैंने 2 पीस कर लिए हैं इस तरीके से, और 8 से 10 जो है ना काली मिर्चें ले ली हैं, और 6 से 7 ये लौंगे ले ली हैं, और 1 बड़ी इलायची ले ली है। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल फरीस किचन को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि इससे हमारी हर न्यू अपलोड सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और ये बिल्कुल फ्री है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई भी एक पॉट ले लेंगे, भगोना ले लें, पतीली ले लें, जिसमें भी आप लोग पकाते हो सालन वो ले लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ्लेम ऑन करेंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ के ऑयल ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। अब हमने फ्लेम मीडियम कर दिया है, अब हम ये प्याज ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्याज ऐड करके हमें इसे लाइट ब्राउन कलर देना है। इसे हमें लाइट ब्राउन कलर देना है। ये देखिए दोस्तों, लाइट ब्राउन कलर हो चुका है इसका। अब हमने क्या करना है, जिंजर गार्लिक पेस्ट जो हमने लिया था इसे ऐड कर देंगे। अब 30 सेकेंड तक हमें इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करना है, ताकि जिंजर गार्लिक की जो एक स्मेल सी होती है वो ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पर हम 2 फ्लेम कर देंगे। लो फ्लेम पर हमने इसे इस तरीके से करना है। अब यहाँ पर मैंने जो है ना थोड़ा सा पानी लिया है, 1-2 स्पून, तो इसे ऐड कर दूंगी ताकि हमारी प्याज़ें बर्न ना हो। अब मीडियम फ्लेम करके ये जितने भी हमारे ड्राई मसाले थे ये सब हम ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लो फ्लेम कर दीजिए, और 1-2 टेबलस्पून पानी और ऐड कर दीजिए। तो बस हमें इसको इतना भूनना है कि मसालों का जो कच्चापन है ये ख़त्म हो जाए। मिनिमम हमें 1-2 मिनट लगेंगे। आपको अगर ऐसा लगे कि मसाला ड्राई हो रहा है तो इसमें थोड़ा थोड़ा सा 1-2 टेबलस्पून पानी ऐड करते जाएं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये आप देख सकते हैं मसालों की अब जो है ना स्मेल ख़त्म हो गई है, खुशबू आने लगी है मसाला भुनने की। तो यहाँ इस स्टेज पर हम ये दही ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस दही को मैंने बहुत अच्छे तरीके से फेंट के रखा हुआ था, इसमें कोई भी लम्स नहीं था, अदरवाइज़ ये जो है सालन में जाके जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसकी गुठलियाँ गुठलियाँ सी नज़र आती हैं फिर ना। ये देखिए, अब आपको कुछ भी इसमें ऐसा फील नहीं होगा। तो बस अब इसे हमें 1 से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इसकी भुनाई करनी है। तो ये देख सकते हैं आप कि मसाला कितने अच्छे तरीके से कुक हो रहा है। तो यहाँ इस स्टेज पर अब हम इसके अंदर आलू ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
अभी इन आलूओं को हमें भूनना है 1 से 2 मिनट तक, फिर हम इसमें पानी डालेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए आलू मैंने 1 से 2 मिनट तक भून लिए हैं। अब हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी हम इतना ऐड करेंगे कि हमें कंफर्म हो कि इसके अंदर आलू हमारे कुक हो जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो मैंने तकरीबन यहाँ पर 2 कप के जितना पानी ऐड किया है। तो बस अब हम इसकी लिड कवर कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब हम आपसे मिलते हैं 15 मिनट बाद। मीडियम फ्लेम करके इसे 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। इतने में इसके आलू सारे अच्छी तरीके से टेंडर हो जाएंगे। और इस तरीके से बस 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करके, ये देखिए इस तरीके से मैं इसे मूव कर रही हूँ, रोटेट कर रही हूँ, तो ये देखिए ये खुद ही कलर इनका आ रहा है। बहुत से लोग अंडे थोड़ा बॉईल करके भी ऐड कर देते हैं, बट इसका फ्लेवर थोड़ा डिफरेंट आता है, थोड़ा अच्छा आता है ना। बस ये चीज़ अगर आप ये भी फॉलो करना चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सालन चेक कर लेते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल कुक्ड है। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये आलू को एक चेक किया था सेंटर में, तो ये आलू कुक हो चुके हैं। ये देखिए मैंने इसे चेक किया था, तो ये कुक हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम पानी ऐड कर देंगे। जितना शोरबा आपको जिस हिसाब से शोरबा रखना है, बस यहाँ पर हम उतना पानी ऐड कर देंगे और अंडे ऐड कर देंगे। बस इतना सिंपल सा काम। अच्छा, मैंने ये जितना पानी मेरे पास था ये मैंने ऐड कर दिया। ये जो मैंने एक जग पानी लिया था, इसमें मैक्सिमम 3 गिलास होते हैं पानी, तो इसी में से मैंने सारा काम किया है। गलने के लिए जो आलू छोड़े थे हमने, तब भी मैंने इसी में से डाला था। और अभी अब यहाँ पर हम ये ग्रीन चिली जो हमने रखी हुई थी ये ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरा धनिया रखा था, इसे गार्निश कर देंगे। और ये जो एग्स हमने ये बॉईल करके रखे थे फ्राई करके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये उन्हें ऐड कर देंगे। ये 2 एग्स मैंने अलहदा से लेकर बॉईल किए थे क्योंकि मुझे अंडे कम लग रहे थे, तो ये मैंने फ्राई पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल डालकर इसे मैंने इस तरीके से फ्राई किया था। ये सब अंडे हम रख देंगे इसके अंदर, ठीक है। एक ही अंडा मैं कटिंग करके रखूँगी। ये अंडा मैंने कटिंग करके इस पर रख दिया है। तो बस ये हमारा सालन रेडी है। अब हम इसे कवर करके 5 मिनट के लिए और दम पे रख देते हैं। तो दोस्तों ये देखिए 5 मिनट मुझे हो चुके हैं। अंडे आलू का सालन हमारा रेडी है। शोरबा आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो बस यहाँ मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी। बस अब ये यहाँ पर डन है। तो अब आप लोग मुझे बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी, आप लोग किस मेथड से बनाते हैं, और मुझसे अपनी मतलब डिस्कस कीजिएगा कोई भी चीज़ बनाएं जो आप अगर पॉसिबल समझें तो, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपना, अपने बड़ों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का, सबका बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। उनकी दुआएँ लीजिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।